दोस्तों काफी टाइम वेट करने के बाद फाइनली Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। 27 अक्टूबर को चाइना में Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हो गई है। चार स्मार्टफोन उसमें लॉन्च हुए हैं, Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus और Note 12 Explore Edition। दोस्तों आज के वीडियो में Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में बात करेंगे। Redmi Note 12 और Note 12 Pro दोनों का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने डाल दिया है चैनल पे, देखना चाहते हो इधर कार्ड के ऊपर दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आज के वीडियो में Redmi Note 12 Pro Plus की फुल स्पेसिफिकेशन, साथ में इंडिया लॉन्च और प्राइस क्या रहेगी इंडिया में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को इन तक देखते रहना और वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए Redmi Note 12 Pro Plus की डिजाइन, लुक एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एलईडी फ्लैश लाइट का सपोर्ट है, ग्लास बैक का सपोर्ट मिलेगा, फ्रंट में सेंटर पंच और सेल्फी कैमरा होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले से आपको इसमें 100 स्कैनर का सपोर्ट मिलेगा और बताया जा रहा है कि इसमें कर्व्ड डिस्प्ले होने वाली है। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, 6.67 इंच इसकी फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले 120Hz फास्ट रिफ्रेश के साथ, डिस्प्ले में HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी, 900 nits पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट मिलने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, Redmi Note 12 Pro Plus में MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट होगा, 6nm पर बेस होने वाला है, ऑक्टाकोर चिपसेट है, मान लीजिए 68GB के साथ आता है तो डे टू डे यूजेस में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। साथ में UFS 2.2 स्टोरेज, LDDR4X रैम का भी सपोर्ट होने वाला है और 200 MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है इसमें, 200 MP मेन प्राइमरी कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो, 4K वीडियो शूटिंग हो गया रियर कैमरे से, फ्रंट में 16 MP की सेंटर पंच और सेल्फी है जिसमें भी फुल एचडी वीडियो शूटिंग होगा। तो फ्रंट और रियर कैमरा दोनों इंटरेस्टिंग है और 5000mAh की बैटरी होगी 120W फास्ट चार्जिंग के साथ, जो बताया जा रहा है कि 19 मिनट में ही फोन को फुल चार्ज कर देगा। और दोस्तों UI के बारे में बात करें, लेटेस्ट MIUI 13 का सपोर्ट होगा जो एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड होने वाला है और इसमें 100 फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस लॉक का सपोर्ट और 3.5 हेडफोन जैक का भी सपोर्ट मिलने वाला है और दोस्तों आपको इसमें ड्यूअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज Redmi Note 12 Pro Plus इंडिया में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके प्राइस रेंज और इंडिया लॉन्च के बारे में, तो दोस्तों चाइना में Redmi Note 12 Pro Plus के दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, बेस वेरिएंट है 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज और एक हायर वेरिएंट है 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। वहां पर जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस इधर इंडिया में कन्वर्ट करें तो 23,000 निकल कर आ रही है 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज वेरिएंट वाली। और दोस्तों Redmi Note 12 Pro Plus इसी प्राइस रेंज में आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है, 125,000 बेस वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होगी और आगे जो वेरिएंट्स है उसके हिसाब से आपको प्राइस भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों Redmi Note 12 सीरीज इस साल इंडिया में नहीं लॉन्च होगी, अर्ली नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी या फरवरी में Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में आपको देखने को मिलने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों Redmi Note 12 और Note 12 Pro दोनों का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने डाल दिया है चैनल पे, देखना चाहते हो इधर कार्ड के ऊपर दे दूंगा, वहां जगह आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ही जल्दी 2.9K हम क्रॉस करने वाले हैं, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर सकते हो जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इतना था आज के वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।